कांग्रेस जन विरोधी पार्टी है और कांग्रेस की केंद्र सरकार से देश और प्रदेश की जनता परेशान है। यह कहना है कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थामने वाले युवा नेता दिव्यराज चौधरी का। दिव्यराज चौधरी ने भाजयुमो के युवा सम्मेलन में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और उन्होंने इसके पीछे कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह बिखर चुकी है। देखिए, मेरा कांग्रेस में आए हुए मुश्किल से 8 महीना रहा। कांग्रेस में आकर बहुत ही जल्द मुझे ये समझ में आ गया कि कांग्रेस में एक तरीके की अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सोच नहीं है, सोच विहीन पार्टी है और सोच विहीन पार्टी के साथ जुड़े रहने का कोई मतलब नहीं रहा मेरा। और मेरी यही कोशिश है कि अगर जैसे मैं विंध्य प्रदेश का हूँ, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार का आप देखेंगे पिछड़ापन हो गया था, उस चीज़ को अब दोबारा वहाँ पर स्थिति अगर अच्छी बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही इस चीज़ को हम आगे बढ़ा पाएंगे। दिव्यराज चौधरी विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस नेता पुष्पराज चौधरी के पुत्र हैं, जिन्होंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थामा है। मेरा जो ये निर्णय रहा भाजपा ज्वाइन करने का, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कांग्रेस की आज की जो नीतियां हैं वो युवाओं और गरीबों के अनुकूल है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को नष्ट कर रही है, वो चीज को हमें हटाना है और दोबारा वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लाना है, यही मेरी अपील है। इसके पहले भी कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिससे कांग्रेस कड़ी दर कड़ी टूटती जा रही है और भाजपा मजबूत होती जा रही है। अब देखना यह है कि प्रदेश की जनता भाजपा को तीसरी बार सत्ता का ताज पहनाती है या नहीं। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय थारवार, एमएसटीवी न्यूज़ भोपाल।